नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं रिपेयर करूंगा इस एलईडी बल्ब को। देख सकते हो ये पॉलीकैप कंपनी का है और 9 वाट का है। तो चलिए इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम हुआ है और इस बल्ब को हम रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बल्ब को बिजली में लगा के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, ग्लो कर रहा है कि नहीं या कैसा प्रॉब्लम है। बिजली में लगाने के बाद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टेस्टिंग के लिए सीरीज बोर्ड है, हमेशा सीरीज बोर्ड में ही इस तरह का बल्ब को टेस्ट करें। नहीं तो अगर आपके बल्ब में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपका जो सर्किट है, मतलब बोर्ड है इलेक्ट्रिकल, वो जल सकता है, घर में फ्यूज उड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं सीरीज 100 वाट का बल्ब लगाया हूँ और यहाँ पर जो बल्ब जल रहा है ना, ये सीरीज आउटपुट है। अगर इसको मैं खोल दूंगा तो ये जो बल्ब है बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमारा जो 220 वोल्ट बिजली है यहाँ पर जा रहा है। तो इस बल्ब को खोलता हूँ और हमारा जो खराब बल्ब है इसको लगाता हूँ। यहाँ पर 220 वोल्ट बिजली ही आएगा, कम नहीं आएगा, ठीक है। ओ माय गॉड, जल रहा है। ओ माय गॉड, व्हाट इज द प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज बल्ब है ना, वो ग्लो कर रहा था। तो ये चीज दिखाने के लिए आपको एक दूसरा बल्ब के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, एक अच्छा बल्ब ले लिया और ये बिल्कुल पूरी तरह से अच्छा है, तो इसको लगाता हूँ और देखिए जो हमारा सीरीज बल्ब है वो जरा सा भी ग्लो नहीं कर रहा है। मतलब हमारा जो बल्ब है बहुत ही कम एम्पियर ले रहा है, जिस वजह से हमारा जो 100 वाट का बल्ब है बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है। इसके थ्रू जो वोल्टेज आ रहा है वहां पर 220 वोल्ट ही आ रहा है, वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो लोड है बहुत ही कम होता है नॉर्मली जनरली। अगर एलईडी बल्ब खराब होगा तो उस केस में ये सीरीज बल्ब ग्लो कर सकता है या शॉर्टिंग के कारण। देखिए आप, देखिए ग्लो कर रहे हैं। तो इस तरह से ज्यादा देर नहीं चलेंगे क्योंकि अंदर कुछ शॉर्टिंग है, ठीक है, अंदर कुछ शॉर्ट हुआ है। ये तो न्यू प्रॉब्लम मुझे दिखा, बहुत दिनों के बाद इस तरह का प्रॉब्लम तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ओ माय गॉड, अगर इस तरह से हम डायरेक्टली बिजली में लगाते तो यहाँ पर कुछ जो चीज है, MOB है या रजिस्टर है, वो फ्यूज हो जाता। देख सकते हो ये न्यू प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा एम्पियर ले रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा MCPCB है वो तो बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम है ड्राइवर सर्किट में, पॉलीकैप कंपनी का है। ऐसा तो प्रॉब्लम मैं पहली बार देख रहा हूँ। ओ माय गॉड, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एक जो SMD LED है वो फ्यूज लग रहा है, फिर भी कैसे ग्लो किया। दोबारा मैं लगाऊंगा, अनबिलीवेबल। ओ माय गॉड, फिर भी जल रहा है दोस्तों, यहाँ से धुआं निकल रहा है फिर भी ग्लो कर रहा है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कनेक्शन शायद रह गया है इसीलिए ग्लो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा जो लोड है वो ज़्यादा ले रहा है। सीरीज बल्ब ग्लो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 बल्ब लगा देना, 9 वाट का या 10 वाट का, फिर भी हमारा सीरीज बल्ब ग्लो नहीं करता है। लेकिन एक ही 9 वाट का बल्ब में ग्लो कर रहा है, इसका मतलब तो इसका ड्राइवर सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो MCPCB है ना उसको हटाएंगे, उसके बाद दोबारा बिजली में ला के देखेंगे। शायद MCPCB में भी शॉर्टिंग हो सकता है। तो इतना ज़्यादा तो MCPCB में शॉर्ट नहीं होगा, अगर शॉर्ट होगा तो पूरी तरह से होगा। कोई बात नहीं, MCPCB को हटाते हैं और हमारा जो ड्राइवर सर्किट है उसको भी खोलेंगे। जी हाँ, मुझे यहाँ पर छूने से ही गर्म महसूस हो रहा है, यहाँ पर गर्म हो गया है। इतना जल्दी तो LED बल्ब गर्म नहीं होता है, यहाँ पर छूने से गर्म लग रहा है। मतलब डेफिनेटली इसका जो ड्राइवर सर्किट है खराब हुआ है। यहाँ पर तो MCPCB भी खराब हुआ है, तो इसको भी चेंज कर देंगे, तो कोई बात नहीं। तो चलिए खोलते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। देख सकते हो प्लस, इधर है माइनस, तो दोनों टर्मिनल्स पे आप प्लस माइनस सही से लगाना पड़ेगा आपको जब लगाएंगे। तो प्लस है तो यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ मार्क, ओके। तो इसको तो खोलना ही पड़ेगा, तो
तो बाद में तो देखना ही पड़ेगा। जी हाँ, हटा दिया। इस टिक्की को भी हटाता हूँ, इस टिक्की को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करता हूँ मैं। कुछ इस तरह से हटाता हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखा है इस तरह से हट रहा है। या अरे यार हट जाना, नहीं हट रहा है। जी हाँ हट गया, वाह आसानी से तो हट रहा है। ओके, ओ माय गॉड, अंदर से तो धुआं निकल गया है। ओ माय गॉड, इसका तो प्रॉब्लम दूसरा है। यहाँ पर देख सकते हो धुआं निकल गया है। आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ ड्राइवर सर्किट को, क्या प्रॉब्लम यहाँ है। आईसी में धुआं निकला है या एमओवी में, देखता हूँ। इसको खोलना पड़ेगा यहाँ पर से, मैं डीशोल्डर करता हूँ। कुछ इस तरह से पकड़ के रहेंगे थोड़ी देर। दोस्तों इस तरह से पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पॉली के ब्रांड में जो यहाँ पर शोल्डर आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा हीट देने के बाद ही पिघलता है। पता नहीं क्यों, कौन सा मटेरियल यहाँ पर यूज किया है, देख सकते हो नहीं पिघल रहा है जल्दी से। लेकिन अगर दूसरा ब्रांड का होता तो ये जल्दी पिघल जाता। इसका जो देखिए, थोड़ा सा कोशिश करने के बाद निकल गया मेरा ड्राइवर सर्किट, और देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा जल गया है। किस लिए जला है देखना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये जो एमओवी है ना, ये शॉर्ट हो गया है। जी हाँ यही प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड, इधर भी, ओ बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही होगा। इस ड्राइवर सर्किट में दोस्तों जनरली आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, एक दूसरा कंपनी का ये ड्राइवर सर्किट है। जनरली जो एमओवी है ना, वो इनपुट में ही रहता है, इनपुट में। लेकिन इस ड्राइवर सर्किट में आप देख सकते हो आउटपुट में एमओवी को लगा दिया है, जिस वजह से रजिस्टर में लोड गिर रहा है, इधर आईसी में भी शायद गिर रहा है। तो ये गलत तरीका है, एमओवी को हमेशा यहाँ पर इनपुट में लगाना चाहिए, रजिस्टर्स के बाद ही लगाना चाहिए। पता नहीं कौन सा मॉडल है पॉलीकैब ब्रांड का, देख सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस एमओवी को हटाना पड़ेगा, और देख के भी पता चल रहा है इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया, येलोइश हो गया है, ब्राउन हो गया है। इसको मैं निकाल देता हूँ। जी हाँ निकाल दिया इस एमओबी को। ओके, तो रजिस्टर भी थोड़ा थोड़ा हालत खराब हो गया है इसका। तो चलिए इस तरह से मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर ट्रैक भी उखड़ गया थोड़ा सा, इसको उखाड़ ही देता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या कनेक्शन था इसका। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ बिजली में ला के, देखता हूँ क्या होता है। कनेक्शन इधर से है या यहाँ पर से गया था, तो इसको हटाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए दोबारा मैं एमसीपीसीबी को लगा देता हूँ। एमसीपीसीबी भी थोड़ा सा खराब है, देख सकते हो ये जो एसएमटी एलईडी है फ्यूज होने वाला है। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव पॉजिटिव सही से लगा देता हूँ। इधर है रेड, जी हाँ इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव। तो चलिए बिजली में लगाते हैं। तो लगाने से पहले यहाँ पर से मैं बिजली को जो कनेक्शन है उसको हटा देता हूँ। कनेक्शन को हटा दिया पूरी तरह से, सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बिठा दिया, उसके बाद ही बिजली में लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, और हमारा जो सीरीज बल्ब है उसको भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है दोस्तों, कोई भरोसा नहीं।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सीरीज बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है और रिपेयर हो गया है। ओ माय गॉड, हमारा जो MCPCB है वो ख़राब हो गया है अभी। जी ख़राब हो गया है MCPCB, तो MCPCB को भी रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो असेंबली LED से देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसी को हम बदल देंगे। ठीक है, इसको बदल देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। अभी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, शॉर्टिंग इसी का था। ठीक है, शॉर्टिंग इसी में था। तो चलिए इसे असेंबली LED को मैं बदल देता हूँ। ये MCPCB मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ही हाई क्वालिटी का LED से, सिर्फ यही खराब हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं काट देता हूँ, साफ कर देता हूँ। दोस्तों ये बिल्कुल न्यू प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम मैं फेस नहीं किया था पहले, क्योंकि इसका जो ड्राइवर सर्किट है वो भी न्यू डिजाइन का है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर से जो असेंबली LED को तोड़ा, इसको साफ कर लेता हूँ यहाँ पर से। जी हाँ, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, तो हाथ में थोड़ा सा मुझे लग रहा है, तो थोड़ा सा शोल्डरिंग फ्लाक्स लगाना पड़ेगा क्लीनिंग के लिए, स्मूथ डी शोल्डरिंग के लिए, शोल्डरिंग फ्लाक्स। और फिर थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्लायर की मदद से पकड़ता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पर साफ करता हूँ। जी हाँ साफ हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर शोल्डर भी लगा देंगे, उसके बाद साफ करेंगे। होता है जो छोटा वाला भाग है वो पॉजिटिव और जो बड़ा भाग है वो नेगेटिव, कुछ इसी तरह से यहाँ पर हम बिठाएंगे। ठीक है, कुछ इसी तरह से बिठाएंगे, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा फ्लक्स लगा देंगे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैजिक। देखिए शोल्डरिंग आयरन पूरा हीट हो गया है, इसको मैं कुछ इस तरह से पकड़ूंगा थोड़ा सा, और आप देखेंगे कुछ इस तरह से बिट जाएगा दोस्तों हीट होने के बाद। जी हाँ, उस तरह से मैं अच्छे तरीके से बिठा दिया हूँ, मतलब लगा दिया हूँ असेंबली LED को, परफेक्टली लग गया है और नहीं हिल रहा है अभी। प्लस किधर है, इधर प्लस है, तो इस तरफ से घुमा के लगाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए दोबारा बिजली में लगाएंगे हम, पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हाउसिंग में डालेंगे, इस हाउसिंग में बाद में डालेंगे। तो इस बिजली के कनेक्शन को मैं खोल कर रखा हूँ, तो यहाँ पर मैं लगा दिया, उसके बाद दोबारा बिजली में लगाता हूँ मैं मेन बोर्ड पे, और देखना यहाँ पर सीरीज बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं होना चाहिए और ये सिर्फ ग्लो होना चाहिए। व्हाट, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ग्लो नहीं, क्या सही से लगाया हूँ तो मैं, प्लस टू प्लस, ठीक है प्लस लगा है। अरे यार क्या हुआ, बिल्कुल नहीं जल रहा है, यहाँ पर बिजली आ रहा है कि नहीं। जी हाँ आ रहा है, शायद हमारा असेंबली LED सही से नहीं लगा है, अगर नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर देता हूँ मैं, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज कम आ रहा है, वोल्टेज कम आ रहा है जिस वजह से ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब देखिए दोस्तों, इस बार मैं इस सर्किट के साथ एक अच्छा MCPCB लगा दिया हूँ, एक न्यू, तो अभी ग्लो कर रहा है दोस्तों। एक्चुअली इसका जो प्रॉब्लम है इस MCPCB में ही है, मतलब बाकी जो असेंबली LED है वो भी खराब हो गया है, लेकिन ये बात हमें मुझे समझ में नहीं आया, इस ड्राइवर सर्किट से क्यों कम वोल्टेज निकल रहा है
एमसीपीसीपी को लगाने के बाद तुरंत ही ग्लो कर गया। पता नहीं ये किस टाइप का ड्राइवर सर्किट है, देखिए आपको जला के दिखा देता हूँ। अभी ग्लो कर रहा है, देखिए बिल्कुल ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से हम ज़्यादा देर नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी हीट सिंक नहीं है, और आप यहाँ पर सीरीज बल्ब को भी देखिए बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा। देखिए ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए हमारा जो बल्ब है वो रिपेयर हो गया है, इसको हाउसिंग में लगा देंगे, इस हाउसिंग में लगा देंगे और रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।